नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आयरन सुर्खियों में रहने वाले पथरिया विधायक रामबाई शनिवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने 89 लाख रुपए की लागत से चल रही नाली निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने किचन, महिला वार्ड, डिलीवरी वार्ड सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों ने उन्हें बताया कि ऑपरेशन कराए जाने के बाद और नॉर्मल डिलीवरी के बाद मरीजों से रुपए लिए जाते हैं, जिस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज करते हुए सिविल अस्पताल और सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी से मरीजों से दिए गए पैसे वापस दिलाए जाने की बात कही है। कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी मैंने जब मैं आई हूँ तो पहले तो मैंने हमारे एक पत्रकार भाई हैं जो पत्रिका के माध्यम से मैंने एक नाली का बारे में आज पढ़ा था सुबह, मैं उसी को लेके और अस्पताल को लेके मैं देखने के लिए आई हूँ। तो पहले तो ये करोड़ कितने 8-10 लाख रुपये को लेके ये मंजूर हुई है। ये पुरानी नाली जो पत्रकार जी ने छापा है बिल्कुल सही छापा था कि ये पुरानी नाली पे ही निर्माण करने वाली थी, पर आज उनकी ये छापने की वजह से मैं दौड़े पर आई हूँ और मुझे विश्वास है कि अभी आज के बाद ऐसी नाली नहीं बनेगी, जो नियम के अनुसार है, जो उसकी मतलब नक्शा है उसके आधार पर बनेगी। फिर दूसरी बात, अस्पताल में भी हमने देखा है कि खाने की जेब व्यवस्था है कि मेनू के अनुसार तो ठीक है, इनको खाना ही ढंग का नहीं दिया जाता। मरीजों से मैंने पूछा है तो उन्होंने बोला कि मेनू के अनुसार तो कभी मिला ही नहीं है। दूसरी बात, फल 1 महीने से नहीं वितरित हुए। अभी चेक किया है, बिल्कुल किया हो फिर करिए। आप ऐसे नहीं चलेगा, अस्पताल के मुखिया अगर ऐसे रखोगे आप लोग तो क्या होगा बताइए। गंदगी जब खाना के पास नहीं, अंदर तो सफाई है। आप जी देखो ना, क्या है लोगों, तुम्हारी रोज लगती होगी। अभी कितना टाइम बच कहाँ हुआ आपके कर्मचारी? अभी झाड़ू लगा कितना टाइम हुआ? सुबह लगती है करीब 8-9 बजे। 8-9 बजे, 8-9 बजे के बाद इतनी गंदगी हो गई क्या? इतनी गंदगी हो गई इतनी जल्दी? और दूसरी बात, जी कचरा आप उठवा के नहीं फिंकवा पाए। दमोह से रविंद्र जैन, छोटे प्रिंस रिपोर्ट।